हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। क्लास टेंथ चैप्टर इज ग्रोइंग अप पेन्स, बढ़ता हुआ दर्द, बढ़ती हुई पीड़ा। पहले क्वेश्चन से ही लेते हैं, आपके क्वेश्चन आंसर चल रहे थे और आज इनको समाप्त करते हैं। When did Sameer's parents grunt? When did Sameer's parents grunt and what did they say? और उन्होंने क्या कहा? वहन समीर कंप्लेंट्स हिज पेरेंट्स फॉर बीइंग ओवर प्रोटेक्टिव दे ग्रंट, वो गुर्राते हैं। दे से दैट ही इज, आप पास्ट में लिख सकते हो इसको, क्वेश्चन आंसर को। ही इज too young to understand their fears, उनके उनको डर को समझने का वो बहुत छोटा है। वह उनकी आंख का तारा है। ही वॉज देयर ओनली सन। क्वेश्चन नंबर दो, हाउ डिड समीर्स मदर रिएक्ट व्हेन ही फेल? एंड स्लिप्ड, जब वो गिर गया और फिसल गया था तो समीर की माँ कैसे व्यवहार करती है? समीर्स मदर डिड नॉट से एनीथिंग टू हिम, शी कोएक्सेज हिम, तो उसको लाड दुलार करती है। She treated with him
वार्मली, शी वेलकम्ड हिम It shows that she had a kind heart towards her son. अपने पुत्र के लिए उसका हृदय बहुत ही कैसा था, दयालु था. Why did Samir stamp his feet? Samir अपने पैर क्यों पटकने लगा? When Samir, जब Samir asked his mother to go, asked his mother whether ki kya he could go to the party. At Vishal's house, then she did not allow him to stay till late at night. Then Samir stamped his feet. तो समीर अपने पैरों को पटकने लग गया था. चलिए हिंदी लेते हैं इसका. When did Samir's parents grunt and what did they? Samir के माता पिता when मान कब, did grunt माने गुर्राए थे and what did they say उन्होंने क्या कहा. When Samir complains, समीर शिकायत करता है his parents उसके माता पिता, grunt अपने माता पिता से शिकायत करता है for being over protective क्या होने के लिए, अत्यधिक रक्षात्मक होने के लिए. जब समीर अपने माता पिता से अत्यधिक रक्षात्मक होने के लिए शिकायत करता है, दे ग्रंट वो गुर्राते हैं, दे से वो कहते हैं, दैट कि ही इज़ टू यंग वह बहुत छोटा है, टू अंडरस्टैंड समझने के लिए, दे आर फियर्स उनके डर को, अंडरस्टैंड और लिखना है. अंडरस्टैंड मान क्या होता है बच्चों, समझना, कि वह अभी इतना छोटा है कि उनके डर को नहीं समझ सकता. ही इज़ द एप्पल ऑफ देयर आई, वह उनकी आँखों का तारा है. आँखों का सेब नहीं कहेंगे, आँखों का तारा बोलेंगे. ही वॉज देयर ओनली सन, वह उनका एकमात्र पुत्र था. हाउ डिड समीर्स मदर रिएक्ट, समीर की माँ ने कैसा प्रतिक्रिया की. वैन ही फैल एंड स्लिप्ड, जब वो गिर गया और फिसल गया था. समीर्स मदर, समीर की माँ डिड नॉट से, माँ ने कुछ नहीं कहा एनीथिंग कुछ भी टू हिम उससे. शी कोएक्सेज, वो लाड़ दुलार करती हैं उसके साथ. शी ट्रीटेड, व्यवहार करती है उसके साथ वार्मली, गर्मजोशी से. सी वेलकम, उसने स्वागत किया था हम उसका. इट सो ये दर्शाता है दैट सी हैड ए काइंड हर्ट, उसका एक दयालु हृदय था टुवार्ड्स हर सन, अपने पुत्र की ओर. व्हाई डिड समीर स्टाम्प हिज फीट, समीर अपने पैरों क्यों पटकने लगा. व्हेन समीर आस्क्ड हिज मदर, समीर ने अपनी माँ से कहा वेदर की क्या ही कुड गो, वह जा सकता था टू द पार्टी दावत में. एट विशाल था उस विशाल के घर. देन सी डिड नॉट अलाउ, तो उसने उसको अनुमति नहीं दी टू स्टे रुकने की, टिल लेट एट नाइट, देर रात तक. देन समीर स्टाम्प्ड हिज फीट, तो समीर अपने पैरों को पटकने लग गया था. प्यारे बच्चों, ये आपके यहाँ क्वेश्चन
यहाँ तक हो गए हैं, मैं इसको मिटाता हूँ, आप इसको कॉपी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आगे। What did you think about freedom? What did? वैसे do होना चाहिए। What do you think? तुम क्या सोचते हो? अबाउट फ्रीडम, आज़ादी के बारे में। फॉर ए टीनेजर, एक किशोर के लिए। आई थिंक, मैं सोचता हूँ। फ्रीडम शुड बी गिवन टू ए टीनेजर व्हेन ही और सी इज कैपेबल ऑफ नोइंग What is right and what is wrong? क्या सही है और क्या गलत? Freedom should be given when he is mature enough to handle the situation, जब वह स्थितियों को समझने में, हैंडल करने में समर्थ हो जाए, परिपक्व हो जाए। Only required freedom should be given to a teenager. किशोर को आवश्यक आज़ादी ही दी जानी चाहिए। अनावश्यक आज़ादी किसी किशोर को घातक हो सकती है, इसलिए किसी किशोर बच्चे को अनावश्यक आज़ादी प्रदान नहीं की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्रोइंग अप इज ऑल अबाउट ए मैटर ऑफ इंडिविजुअलिटी। इज ऑल अबाउट ए मैटर ऑफ इंडिविजुअलिटी। डिस्कस यस इट इज ट्रू दैट ग्रोइंग अप इज ऑल अबाउट ए मैटर
ऑफ इंडिविजुअलिटी, बिकॉज ए टीनेजर डज नॉट लाइक, एक टीनेजर पसंद नहीं करता है एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रेन, किसी प्रकार की रुकावट दबाव, फ्रॉम एनी वन. He needs privacy. उसको किसकी ज़रूरत होती है? एकांतता की आवश्यकता होती है. When a child grows up, a kind of curtain comes between his parents and him. He likes complete privacy. वह पूर्ण एकांतता या पूर्ण आज़ादी को पसंद करता है, पूर्ण आज़ादी से रहने को प्रीफर करता है. प्रिय विद्यार्थियों, इसमें एक क्वेश्चन और आपका इस प्रकार से बन सकता है, वाई वर समीर पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव, समीर के माता पिता अत्यधिक प्रोटेक्टिव क्यों रहते हैं, कारण क्या है? समीर के माता पिता सोचते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल समीर वॉज देयर ओनली सन, समीर उनका एकमात्र पुत्र होता है. He was the apple of their eyes, वह उनकी आँखों का तारा था. He was a teenager, वह एक किशोर था. They think, वो सोचते हैं, that he is not capable, इसी में से लिखना, he is not capable, वह समर्थ नहीं है of knowing, जानने में what is right, क्या सही है, and what is wrong, क्या गलत है. He is not mature, वह परिपक्व नहीं है एनफ, पर्याप्त रूप से टू हैंडल द सिचुएशन, स्थितियों को समझने में. दिस इज वाई, यही कारण है, दे वर ओवर प्रोटेक्टिव, वो अत्यधिक प्रोटेक्टिव होते हैं, अत्यधिक रक्षात्मक होते हैं. ओके डियर्स, ये आपका क्वेश्चन, इसमें एक्स्ट्रा जो अलग से बनता है वो. इन प्रश्नों को ट्रांसलेट करते हैं, वॉट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो, पहले आप इनको वीडियो को पॉज करते हुए इनको आप कॉपी कर लीजिए. ओके, मैं साइड मटता हूँ और फिर ट्रांसलेशन लेते हैं इनका. पहला ही क्वेश्चन है इनमें, व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो अबाउट फ्रीडम, आज़ादी के बारे में, फॉर ए टीनेजर, एक किशोर के लिए. आई थिंक, मैं सोचता हूँ, फ्रीडम, आज़ादी, शुड बी गिवन, दी जानी चाहिए टू ए टीनेजर, एक किशोर को. वहन ही और सी इज कैपेबल, जब वह समर्थ हो जाए, ऑफ नोइंग, जानने में, व्हाट इज राइट, क्या सही है, एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्या गलत है. फ्रीडम शुड बी गिवन, आज़ादी दी जानी चाहिए, वहन ही इज मैच्योर एनफ, जब वह पर्याप्त रूप से मैच्योर माने क्या हो जाए, परिपक्व हो जाए, टू हैंडल द सिचुएशन, स्थितियों को समझने में.
ओनली रिक्वायर्ड फ्रीडम, केवल आवश्यक आजादी शुड बी गिवन, दी जानी चाहिए टू ए टीनेजर किशोर को। अगला है ग्रोइंग अप, बढ़ना, वयस्क होना इज ऑल अबाउट ए मैटर ऑफ इंडिविजुअलिटी, पूरी तरह एकांतता का या व्यक्तिगत मामला है। डिस्कस बात करो, यस हाँ इट इज टू, ये सत्य है दैट ग्रोइंग अप माने वयस्क होना, आगे बढ़ना, बड़ा होना, इज ऑल अबाउट पूरी तरह से ए मैटर, एक मामला है ऑफ इंडिविजुअलिटी माने किसका, व्यक्तिगत मामला। एक अलग अलग व्यक्ति एक साथ थोड़ी बड़े होते हैं कि माता पिता के साथ में बच्चे ही बड़े हो जाते हैं, नहीं, उनका अलग अलग मामला होता है, व्यक्तिगत मामला होता है, हर व्यक्ति के हिसाब से ये अलग होता है। बिकॉज क्योंकि ए टीनर, एक किशोर डज नॉट लाइक, पसंद नहीं करता एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रेन माने किसी प्रकार का दबाव, किसी प्रकार रुकावट। भाई वयस्क होता है वो तो महसूस कर लेता है, वो तो कोई बात नहीं, वो चीज़ों को जान लेता है, लेकिन एक किशोर होता है वो किसी प्रकार रुकावट को पसंद नहीं करता कि बीच में कोई बाधा डाले फ्रॉम एनीवन, किसी से भी, ही नीड्स, उसको आवश्यकता होती है प्राइवेसी, किसकी, एकांता की, किसको, एक किशोर को एकांता की आवश्यकता होती है, एकांता की जरूरत होती है। वहन जब ए चाइल्ड, एक बच्चा ग्रोज अप, बड़ा होता है, एक काइंड ऑफ कर्टेन, तो एक प्रकार का पर्दा कम्स आ जाता है बिटवीन हिज पेरेंट्स एंड हिम, उसके माता पिता और उसके बीच में एक पर्दा आ जाता है, एक रुकावट, एक गोजेमर आ जाता है, एक प्रकार की दीवार आ जाती है थोड़ी सी। ही लाइक्स, वह पसंद करता है, ऐसा लगाना है, कंप्लीट प्राइवेसी माने पूर्ण एकांतता को पसंद वह करता है। ही लाइक्स, वह पसंद करता है कंप्लीट फ्रीडम, ही लाइक्स, वह पसंद करता है कंप्लीट माने पूर्ण, फ्रीडम मीन्स क्या होता है, आज़ादी, पूर्ण आज़ादी को एक किशोर क्या करता, पसंद करता है। चलिए बच्चों, ये आपका यहाँ चैप्टर कंप्लीट हो गया, कल फिर हम बात करते हैं। इसी के साथ आज क्लास समाप्त करता हूँ, थैंक यू।